गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि किसी भी धातु की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उसके लिए हमने एक प्रयोग भी किया था और हमने ये देखा था कि इस प्रक्रम में ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो वो चालक चालन कहलाता है और ठोसों में ऊष्मा का जो चालन है वो चालन के प्रक्रम के द्वारा ही होता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा किचन में जो भी बर्तन रखे रहते हैं, जो अपन कुकर है, जैसे चाय बनाने वाला है, जैसे तवा है, ऐसे कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनके ऊपर या तो प्लास्टिक का या लकड़ी का हत्था लगा रहता है, उसको अपन पकड़ के उस बर्तन को अपन गैस से हटाते हैं। तो क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? अगर उस पर लकड़ी या प्लास्टिक का कवर नहीं लगा, हैंडल नहीं लगा हुआ, तो हम उसे नहीं उठा सकते, अन्यथा अपन उसको उठा सकते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। छोटा बीकर या बर्तन किसी में भी अपन गर्म पानी ले सकते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, विभाजनी मतलब प्रकार जो होता है, डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर दो भागों में बांटते हैं उसको, वो एकत्रित कीजिए। इन सभी वस्तुओं की एक सिरे को आप गर्म पानी में डुबोएं। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली? हमने स्टील की भी डाली, हमने पेंसिल भी डाली जो लकड़ी की बनी है, स्केल भी डाली जो प्लास्टिक की बनी है, और एक डिवाइडर डाला जो धातु का बना होता है, स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो हमने उसको डाला। कुछ देर बाद में अपन ये देखते हैं कि हम उनको जब पकड़ते हैं, हम छूते हैं, तो हमें कौन सी चीज़ गर्म लगती है, कौन सी चीज़ ठंडी। तो क्या पेंसिल गर्म लगी आपको? पेंसिल का आपने दूसरा किनारा पकड़ा तो वो क्या गर्म लगेगा? नहीं लगेगा। स्टील का जो है वो गर्म लगेगा, डिवाइडर जो है वो भी थोड़ा गर्म लगेगा, प्लास्टिक की स्केल हमें गर्म नहीं लगेगी। तो इसमें जो ताप है वो विभिन्न पाया गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ताप का चालन जल्दी से कर लेते हैं, ऊष्मा का चालन जल्दी से कर लेते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ऊष्मा का चालन देरी से करते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ऊष्मा का चालन करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनमें अंतर ले सकते हैं। डायग्राम यहाँ शो नहीं किया हुआ, वरना एक पात्र में आप ये सब चीजें डाल ले सकते हैं। स्टील की चम्मच धातु है, पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है। क्या दूसरा सिरा गर्म है? अगर हाँ गर्म है तो वह धातु होगी, और अगर गर्म नहीं है तो वह अधातु होगी। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से? एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उसे अपन ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने दे सकते हैं या जाने देते हैं उन्हें अपन कहते हैं चालक। वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। परिभाषा याद हो गई? कर सकते हो ना आप याद? इसको अपन ने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और एक है आपके अचालक की परिभाषा। अचालक क्या है?
जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते वो क्या कहलाते हैं? कुचल। आ गया समझ में? तो ये आप याद कर लोगे परिभाषा। ये पन अंडरलाइन कर ले इसको, जिससे जब आप पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से हाइलाइटर कर दिया, जिससे ये दिखेगा आपको। ये मुख्य जो परिभाषा है ये आप अलग से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक लकड़ी, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक है वो गर्म नहीं होगी, लकड़ी जो पेंसिल की है, पेंसिल जो लकड़ी की है वो भी गर्म नहीं होगी, बाकी जो डिवाइडर था और जो स्टील का था वो गर्म हो जाए। जल और वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। अब इन पदार्थों को ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है? इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, आइए पता लगाएं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए, यदि फ्लास्क उपलब्ध नहीं है तो आप बिकर ले सकते हैं। इसे जल से 2/3 भरिए, ये हमने यहाँ बिकर लिया है, ये बिकर लिया गोल पेंदे का, ठीक है, 2/3, ये 2/3 भर लिया, आधे से ज्यादा, ठीक है। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। कुल मिला के हमें उसको गर्म करना है, ठीक है। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। स्ट्रॉ की सहायता से अपन धीरे से उसको रख सकते हैं। अब क्रिस्टल के नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने पानी डाला, पानी 2/3 हमने भर दिया और पानी का लेवल जो है वो स्थिर हो जाए, हिलता है ना पानी तो वो हिले नहीं, स्थिर हो जाए। तो स्थिर होने की प्रतीक्षा की हमने। फिर हमने स्ट्रॉ की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट होता है एक पदार्थ होता है, केमिकल होता है एक, उसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉ की सहायता से धीरे से ले गए और जल की तली पे रख दिया। हो सकता है इतना काम। रखने के बाद फिर हमने नीचे से गर्म किया, गर्म करना स्टार्ट किया। अपने प्रेक्षकों को नोटबुक में लिखिए क्या होता है। कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है, तो हम क्या देखेंगे कि बैंगनी रंग की जो दाएं हैं वो ऊपर क्यों उठेंगे, ठीक है ना। जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाए बना सकते हैं। ये देखिए बैंगनी रंग की दाएं दिख रहे हैं ऊपर, ये देख रही है वो दिख रही है बैंगनी रंग की, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है, ये देखो ये कलर दिख रहा है, गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है ना। ये नीचे पोटेशियम परमैंगनेट डाला है हमने और ये देखो कलर दिख रहा है अंदर, कौन सा कलर दिख रहा है, बैंगनी कलर होता है इसका। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जैसे अपन पात्र में गर्म पानी करते हैं तो जो आग के संपर्क में नीचे वाला जो आग के संपर्क में जो पानी है, तली वाला पानी है, वो जल्दी गर्म होगा, पहले गर्म होगा, ठीक है ना। गर्म होके क्या होगा, गर्म पानी ऊपर आएगा और ऊपर आने पर क्या होगा कि नीचे जो गर्म पानी का खाली जगह खाली रह गई वो ठंडा पानी आ जाएगा उसकी जगह। तो क्या होगा धीरे धीरे कि नीचे का गर्म पानी ऊपर आता जाएगा और उसकी जगह ठंडा पानी आता जाएगा। गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा पानी उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तो आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा पानी जो है वो गर्म ना हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन।
एक तो अपन ने पढ़ा था चालन, जो ठोसों में होता है। छड़कों ने गर्म किया एक सिरे को, दूसरा सिरा गर्म हो गया था ना, वो तो कहेंगे चालन, जिसमें अणु जो है या कोई भी कण जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक हॉल में बच्चे बैठे हैं, खूब सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और लड्डुओं का प्रसारण करना है, लड्डू बांटने हैं सब बच्चों को, ठीक है। तो पहले वाले बच्चे को लड्डू दिए जो कोने पर बैठे हैं, उसको लड्डू दिए, उसने क्या किया, खुद का लड्डू रखा, फिर उसको जब एक और लड्डू देंगे तो वो पीछे दे देगा वो, ठीक है, फिर उसको एक और देंगे तो वो फिर पीछे दे देगा, पीछे वाला बच्चा क्या करेगा, दूसरा वाला लड्डू को खुद रखेगा, जब तीसरा लड्डू आएगा तो वो तीसरे बच्चे को देगा, समझ गए बात। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बच्चे अपने स्थान से उठे गया, नहीं उठे ना, फिर भी लड्डुओं का वितरण हो गया पीछे तक, तो ये तो कौन सी विधि है, चालन विधि, जिसमें बच्चे बैठे हैं, बच्चे अपनी जगह से नहीं मिलेंगे और वो लड्डू जो है वो पूरी क्लास में या पूरे हॉल में वितरित हो जाएंगे वहां बैठे बैठे। पहले तो बच्चा खुद अपना रखेगा, अपना लड्डू रखेगा, जब और लड्डू उसके पास में आएगा वो अगले वाले बच्चे को देगा। तो ये तो कौन सी चालन विधि, जो अपने ठोस में पढ़ी थी, जो छड़के एक सिरे को गर्म किया था दूसरा गर्म हो गया था, ठीक है। अब जो विधि अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, संवहन विधि। उसमें क्या होता है, बच्चों की लाइन बनी हुई है, वही लड्डुओं का वितरण करना है, ठीक है। हमने पहले वाले बच्चे को लड्डू दिया, उसने लिया और अपनी जगह को छोड़ दिया, आगे चला गया, घर चला गया अपने, उसका स्थान किसने लिया, उसके ठीक जो पीछे बच्चा खड़ा था वो आगे आ जाएगा, फिर उसको लड्डू मिलेगा, वो उठ के चल देगा, फिर उसकी जगह कौन आ जाएगा, पीछे वाला बच्चा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो कण है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, उष्मा ली और अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, और उसकी जगह पे कौन आ गया, जिसको अभी तक उष्मा नहीं मिली, जो ठंडा कण है वो उसकी जगह आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई सबके। तो संवहन विधि में कण खुद हिलता है, कण अपना स्थान छोड़ देता है, और चालन विधि में कण अपना स्थान नहीं छोड़ता। तो ये दोनों विधियां समझ में आ गई। अब ठोस में तो होता है चालन, और जो तरल पदार्थ है, जो द्रव पदार्थ है, उनमें होता है संवहन। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो उष्मा स्थानांतरण की जो ये विधि है उसको अपन क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जब कण अपनी अपना स्थान छोड़ देता है और उसकी जगह अन्य कण आ जाता है, तो इस विधि को अपन कहते हैं संवहन विधि। इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं, ये हमने जल लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट हमने क्यों डाला, जिससे अपन देख सकें कि जल के अनुभूति कर रहे हैं क्या। ऐसे तो पूरा सेम एक ही कलर का है, पानी एक ही कलर का होता है पूरा, तो हमें पता ही नहीं लगता कि पानी ऊपर नीचे से कण ऊपर उठ रहे हैं क्या। लेकिन फिर भी आप घर पर इसको कर सकते हैं, आप एक पात्र भगोने में एक आप भगोना लीजिए और उसको गैस पे रखिए, गर्म पानी किया होगा सर्दियों में, किया होगा नहाने के लिए किया होगा ना, तो उसमें आप गर्म पानी जब होता है तो उसको आप देखिए, आप खुद महसूस करोगे कि नीचे से धाराएं आपको थोड़ी थोड़ी नजर आएगी उठती हुई, ठीक है ना। तो वो नीचे से ऊपर की ओर आती है, मतलब जो गर्म पानी हो चुका वो ऊपर आ जाएगा और उसकी जगह ठंडा पानी आ जाता है, इस तरह से पूरा जो जल है वो गर्म हो जाएगा। वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है, उष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसे भी अपन पढ़ेंगे इस क्रियाकलाप में। तो ये तो अपन ने ठोस में और द्रव में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये वैसे डार्क किया हुआ, इसको करने की आवश्यकता नहीं, तो आप इसे देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। देखिए इस प्रकार से, एक हाथ को तो हमने
इस ज्वाला के ऊपर रखा और दूसरे हाथ को हमने ज्वाला की इस तरफ रखा। समझ गए ना दोनों हाथों को कैसे रखना है। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी अनुभव करते हैं, समान ताप अनुभव कर रहे हैं क्या? जितना हाथ ये गर्म हुआ उतना ये भी गर्म हुआ है क्या? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा और क्यों? ज्यादा गर्म कौन सा हाथ होगा? जो आग के पास में हाथ होगा वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। द्रव और गैस में, द्रव और वायु में किसके विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे वे जले नहीं, ये भी ध्यान रखना, कहीं आप अंदर ही डाल दें इसको। ठीक है ना, तो ये आप विधि करके देखें तो इसको आप ध्यान रखें। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लो के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं हो पाती। तो ऊपर जो हमने हाथ रखा था वो पहले हमें गर्म लगेगा, ज़्यादा गर्म लगेगा, और साइड में जो हमने हाथ रखा था वो गर्म नहीं होगा। अब समुद्र में जो हवाएं चलती हैं वो भी अपन देख सकते हैं, ये जल है और ये थल है। ठीक है, और ये देखें इस प्रकार से जो हवा है वो इस प्रकार से गमन करती है। ठंडी हवा जो है उसका जो पथ है वो इस प्रकार से रहेगा, और गर्म हवा यहाँ से जमीन से गर्म हवा कहाँ जाती है? समुद्र की ओर, और समुद्र से ठंडी हवा कहाँ जाती है? जमीन की ओर। ये तीन बेचने दिखा रखे हैं। इसी प्रकार रात में, ये रात हो गई, रात में क्या होता है? थल समीर, थल से, ये थल समीर होगा जमीन से पानी की ओर। दिन में क्या था? ये दिन में सूर्य की उपस्थिति में दिन में क्या होगा? जल से थल की ओर। ठीक है, और रात में थल से जल की ओर। ये देखिए, ये गर्म हवा थल से आ गई इधर, और ये ठंडी हवा जो है वो यहाँ से इधर जल की ओर जा रही है, उसको आप देख सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं दिन के समय। अभी दोनों मैंने डायग्राम आपको दिखा दिए हैं। दिन के समय स्थल धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल जो है, जमीन जो है, वो जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। कब? दिन में। पानी देरी से गर्म होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है दिन में सूर्य की उपस्थिति में, जमीन गर्म हो जाती है। जमीन का जो वायु है वो ऊपर की ओर उठेगा गर्म होकर। ठीक है, उसके स्थान पर समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। दोबारा आप डायग्राम देखें, ये पानी ठंडा है, जमीन गर्म है, तो ये गर्म हवा तो ऊपर उठेगी, इधर इधर जाएगी, और ये ठंडी हवा, समुद्र से ठंडी हवा इसका स्थान ले लेगी। देखिए, गर्म हवा ऊपर जा रही है, गर्म हवा ऊपर उठी हुई है, ये एरो का चिन्ह ऊपर है, और ये ठंडी ठंडा वाला जो एरो का चिन्ह वो नीचे की ओर है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। तो थल से गर्म समुद्र की ओर, समुद्र से ठंडी थल की ओर, ये दिन में होता है। अब देखो रात में क्या होता है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं।
रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। रात में क्या होता है, समुद्र का जल थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। तो जल तो गर्म है, जमीन ठंडी हो चुकी, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। दिन में तो गर्म वायु बहती है समुद्र की ओर, और दिन में ठंडी वायु बहती है समुद्र की ओर। इसे थल समीर कहते हैं। इस परिघटना को दर्शाया गया चित्र में यह आपको दिखा दिया। तो यहाँ तक अपना हो चुका समुद्र समीर और थल समीर, ये दोनों परिभाषाएं अपन ने पढ़ ली है। तो इसको आप दोबारा पढ़ें, और जो प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं, प्रयोग जो करके देख सकते हैं वो आप करके देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।